हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। व्यूवर्स, इस चैप्टर में ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, कुछ एक ही एमसीक्यूज बनते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी, ऑप्शंस आर 3 इयर्स, 5 इयर्स और 7 इयर्स। सभी को पता है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस 5 साल में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ रोड्स। रोड्स को क्लीन रखने का काम किसका है? ऑप्शंस आर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट और सिटीजन्स। आंसर इज म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। गार्बेज कलेक्शन, सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, ये सारे काम किसके अंडर में आते हैं? म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ये सब मेंटेन करने का काम म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का है। हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स मेंटेन करना, डिस्पेंसरीज मेंटेन करना, सब इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेड्स म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मेयर। आंसर इज मेयर। अभी हमने जो लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे उसमें हमने देखा था जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कौन होती है? पंचायत। और जो सिटीज होते हैं उसमें कौन होती है? म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है? मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोकल बॉडी ऑफ गवर्नेंस इज इन बिग सिटीज आर नोन एज। अभी अभी आपको बताया बिग सिटीज के अंदर जो लोकल बॉडी होती है, गवर्न करने वाली जो लोकल बॉडी होती है वो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट। आंसर इज म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। रूरल एरियाज के अंदर पंचायत होती है लोकल बॉडी जो कि लोकल एरिया को देखती है, और बिग सिटीज के अंदर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन होती है जो कि लोकल बॉडी होती है और जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी थ्रू, ऑप्शंस आर टैक्स कलेक्शन और कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन और बोथ वन एंड टू। म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो ये सब कुछ काम करती है वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि वर्कर्स को एम्प्लॉय करना होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उन्हें सैलरी देनी होती है, तो पैसा कहाँ से आता है वो सब काम कराने के लिए उनके पास में? टैक्स कलेक्शन से या सिटीजन्स से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, या दोनों ही काम करते हैं? कंट्रीब्यूशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो कहाँ से आता है? टैक्स कलेक्शन से। हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस जो पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हमारे पास घर है तो हम हाउस टैक्स देते हैं, अगर कोई शॉप है, ऑफिस है, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो रोड टैक्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस जो है वो लगाए जाते हैं, और वो जो टैक्स कलेक्शन होता है वो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के पास जाता है, और उस कलेक्शन से जो है कॉरपोरेशन का काम चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई टैक्स है तो सिटीजन्स को वो टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि वो हम जो टैक्स मनी है वो बाद में हमारी ही भलाई के लिए यूज होती है। लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है कि सिर्फ कि वो टैक्स दें प्रॉपर टाइम पर, ठीक है ना? अगर कोई दो तीन फैमिलीज के वेलफेयर के लिए है तो वो दो तीन कुछ काम कराना है तो उसमें हम आपस में कलेक्शन करके और वो कंट्रीब्यूशन से हम वो काम कर लेते, क्योंकि वो दो तीन फैमिलीज अपने वेलफेयर के लिए कर रहे हो, उसमें पूरे एरिया का बेनिफिट नहीं है, सिर्फ दो तीन फैमिलीज अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपस में कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एरिया के लिए जो होता है
वो टैक्स कलेक्शन से होता है। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन टैक्स मनी से काम करती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। ऐसे ही दूसरी वीडियोज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे। क्लासेस वाइज वहां से आप डिफरेंट वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड।